हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार बम्पर वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दें कि तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के विभिन्न पदों की बम्पर भर्ती निकाली हुई है। इसमें वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, हाई स्कूल की डिग्री है और साथ ही ITI डिप्लोमा किया है और इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और इसमें देखिए फ्रेंड, आप सभी को बता दें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें कांस्टेबल की है, वार्डर जिसे जेलर कहते हैं, फायरमैन की है और SI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट है। और फ्रेंड, इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम टाइम ना वेस्ट करते हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि हाउ वाज द सेशन, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, तेलंगाना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैज इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस कांस्टेबल डिफरेंट 16,027 पोस्ट वैकेंसीज। दोज कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड फॉर दिस रिक्रूटमेंट 2022 कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 2 May 2022 थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट www.tslprb.in। तो फ्रेंड, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार भर्ती निकाली है तेलंगाना स्टेट ने, यानी तेलंगाना स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट ने। देखिए फ्रेंड, इसमें पुलिस कांस्टेबल के लिए है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, इसमें 16,027 पोस्ट के लिए है जिसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट है, जैसे जेलर के लिए है, कांस्टेबल की है और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए है और फायरमैन जैसे पोस्ट है। और इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं वो इसके लिए आज से ही फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया, यानी कि 2 मई, यानी 2 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप विजिट करके अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और इसके लिए सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन, तो फ्रेंड अब आपको हम वैकेंसी की डिटेल और एज लिमिट की जानकारी देते हैं। जैसे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, इसको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 16,027 पोस्ट, यानी 16,027 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए फ्रेंड, इसमें मिनिमम एज फॉर ऑल कैंडिडेट ऑल पोस्ट 18 ईयर है, यानी कि सभी पोस्ट के लिए इसमें जो मिनिमम एज है, चाहे मेल हो या फीमेल कैंडिडेट के लिए, 18 साल है। और देखिए, पुलिस कांस्टेबल PC सिविल के लिए इसमें मैक्सिमम एज 25 ईयर है। और टोटल पोस्ट जो है सिविल पुलिस कांस्टेबल के लिए 4,965 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पुलिस कांस्टेबल AR के लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर है और टोटल जो पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल AR के लिए 4,423 पोस्ट है। पुलिस कांस्टेबल TSSP मेन के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर है और जो टोटल पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल TSSP मेन के लिए वो 5,010 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और देखिए फ्रेंड, पुलिस कांस्टेबल SARCPL मेन इन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज 25 ईयर है और टोटल पोस्ट जो है 100 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड, पुलिस कांस्टेबल इन तेलंगाना स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स डिपार्टमेंट के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 390 पोस्ट है, यानी कि 390 पोस्ट है। और देखिए, इसमें मैक्सिमम एज 25 ईयर है। तो इस प्रकार फ्रेंड, ये टोटल एज लिमिट और टोटल किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है ये आपको बताया, और कुछ पोस्ट के लिए है उसे देख लेते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड, अब आगे की देख लेते हैं। आगे इसमें देखिए फ्रेंड, ये टोटल जो वैकेंसी है 16,027 पोस्ट के लिए है। और पुलिस कांस्टेबल IT एंड CO के लिए एज लिमिट कितना है, मैक्सिमम एज जो है वो 22 ईयर है और टोटल पोस्ट जो है 265 पोस्ट है। तो फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड, इसमें पुलिस कांस्टेबल की जो पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी PTO के लिए मैक्सिमम एज जो है 22 ईयर है
और टोटल पोस्ट जो 100 पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए है, पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। और देखिए पुलिस कांस्टेबल मैकेनिक के लिए PTO मेन के लिए मैक्सिमम एज जो है 22 ईयर है और टोटल पोस्ट जो है वो 21 पोस्ट यानी 21 पोस्ट के लिए है। और देखिए फायरमैन इन तेलंगाना स्टेट डिजास्टर फायरमैन सर्विस डिपार्टमेंट की जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके लिए मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर है और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो है 610 पोस्ट है। और देखिए वार्डर यानी जेलर के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है जेलर के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर है और टोटल पोस्ट जो है 136 पोस्ट यानी 136 पोस्ट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर है और टोटल पोस्ट जो है 10 पोस्ट है। तो इस प्रकार फ्रेंड ये था वैकेंसी डिटेल और एज लिमिट की किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है और कितनी पोस्ट है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं फ्रेंड और इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। जैसे कि एक बार फिर से आप देख लीजिए ऑल ओवर जो पूरा वैकेंसी की डिटेल है ये है पोस्ट वाइज। अब देखते हैं इसकी आगे की इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड आप देख लेते हैं कि एज में रिलैक्सेशन किस प्रकार दिया जा रहा है कैटेगरी वाइज यानी कि जो एज में छूट दी जा रही है। कुछ कैंडिडेटों जो अपर एज लिमिट हो जाती है तो इसमें देखिए SC ST और बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके 5 साल का छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग लोग हैं उनको 10 साल की छूट दी जा रही है। और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी तेलंगाना राज्य के जो एम्प्लॉय कर्मचारी है उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। NCC हु वर्क एज इंस्ट्रक्शन इन NCC उनको 3 साल की छूट दी जा रही है यानी कि NCC के उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने इंस्ट्रक्शन के रूप में काम कर रहे हैं किया है उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। और देखिए फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ी यानी इसके आवेदन के लिए आवेदन शुल्क कितना ली जा रही है। एप्लीकेशन फ़ी में देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट OBC और इकोनॉमिक कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए 800 रुपये या 1000 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। और देखिए फ्रेंड इसमें SC ST कैंडिडेट को 400 रुपये या 500 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। इसमें देखिए फ्रेंड 800 रुपये या 1000 फ़ी का मतलब है कि अलग अलग कुछ पोस्ट के लिए 1000 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए 500 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। तो आप जैसे विजिट करेंगे और फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको शो करेगा जितना रिक्वायर्ड की जाएगी जिस पोस्ट के लिए। और देखिए फ्रेंड इसमें जो सैलरी है फ्रेंड इसमें सैलरी तो बहुत ही शानदार है। इसमें देखिए सैलरी जो है 24,380 रुपये से लेकर 72,850 रुपये इसमें सैलरी है यानी कि बम्पर सैलरी है शानदार है। और इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट वाइज सैलरी दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड ये था एज रिलैक्सेशन। आप देखते हैं आगे की क्या इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। देखिए फ्रेंड इसमें पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सिविल पोस्ट के लिए है उसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट बाय रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके पास इंटर क्वालिफाई किए होना चाहिए। और देखिए सेकेंड नंबर जो है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल के लिए जो सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा कहते हैं उस पोस्ट के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड यानी आपको जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करना है उसके रिलेटेड ट्रेड से आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से है इलेक्ट्रीशियन से है मैकेनिक से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से या कंप्यूटर ऑपरेटर से है तो रिलेटेड ट्रेड से आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए और हाई स्कूल होना चाहिए ये सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लिए। और देखिए फ्रेंड थर्ड नंबर देखिए पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यानी कि पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए साथ में आपके पास ITI इन वायरमैन मैकेनिक मोटर व्हीकल फ्रेंड यहाँ मदर लिख गया ये मोटर है ये मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल फिटर यानी आपके पास जो कांस्टेबल जो ड्राइवर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्राइवर के लिए देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए DL आपके पास होना चाहिए चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो या हाईवी मोटर व्हीकल के ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए साथ ही आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए। किससे होना चाहिए चाहे वायरमैन से हो या मैकेनिक मोटर व्हीकल से हो या मैकेनिक डीजल से होना चाहिए या फिटर से इन चारों ट्रेड में से किसी एक में होना चाहिए और साथ ही आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए।
और देखिए फ्रेंड, सब इंस्पेक्टर आप पुलिस, यानी कि ये सिविल से नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए। इसमें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फ्रेंड तो देखिए फ्रेंड, इसमें सिलेक्शन जो है वो कई पॉइंट पे बेस्ड है, जैसे कि आपका फर्स्ट टाइम आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, और थर्ड नंबर देखिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PMT होगा आपका, उसके बाद वेटेज मार्क पर डिपेंड करेगा, तब आपकी फाइनल मेरिट में, यदि आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिस पर आपका बेस्ड होगा सिलेक्शन। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड एक बार फिर से आप सभी से कहते हैं कि यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि 2 मई यानी आज से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 20 मई, यानी आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आज की जानकारी यहीं तक, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी? यदि आपकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए। और फ्रेंड आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको यदि किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।